ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अयोनी सैभं गुर प्रसाद वाहगुरु 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 वाहगुरु। गुरु दी परम प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ फतेह बुलाओ ते गज के आखो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज दे दिन संसार दी सारी नानक नाम लेवा गुरसंगत जिहड़ी है वह गुरु स्थाना ते पहुँच के सिख समाज का जो नवे साल का आरंभता का दिन अज है और हर महीने की संगरांद की तरह अज चेत महीने की संगरांद का भी दिन है। ये सारे कर्म नू ध्यान दे विच रखदियां होईयां गुरु दियां प्यारियां संगतां गुरु स्थानां दे उत्ते हाजिर होईयां और गुरु दी गुरबाणी नू सरवण करदे होए अपने मन नू गुरबाणी द्वारा निर्मल करदे होए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच सतगुरु साहिब श्री गुरु गुरु साहिबान और परम पिता परमात्मा दियां हाजरियां भर रहे हैं। तो साध संगत जी ये जिहड़ा संगरांद चेत दी असी मनाउने आ और नवे साल का जो पहला दिन है सिख गुरबाणी मुताबक जो गुरु साहिब ने सानू ये काल चक्र का वर्णन जिहड़ा है बारह माह दे विच दस्या है उस दे मुताबक सिख समाज का जो नवा साल है वो चेत महीने की पहली तिथ आरंभ हुंदा है। किसी समाज का आरंभता जो है नवे साल की विसाखी तो हुंदी है किसी समाज की आरंभता जो है अप्रैल महीने की पहली तरीक तो होंदी है बिक्रमी संवत जो है उस दी नवे साल की आरंभता जो है वो अलग समय पर होंदी है शक संवत की जो है वो आरंभता होर दिन होंदी है और इस तरह ही हिजरी संवत की जो नवे साल की आरंभता है वो भी अलग दिन होंगे पर साडे समाज दे विच गुरु साहिबाना ने सानू ये चेत का महीना जिहड़ा है लैके शुरू तो नवे साल की चेत महीने की शुरुआत तो लैके फगण तिकर साडा नसाल जिहड़ा है वह पूर्ण हो जाता है। उह साध संगत जी उस परम पिता परमात्मा महाकाल की हजूरी दे विच एक काल जिहड़ा है जिहनूं असीं काल चक्कर कहिंदे आ समां कहिंदे आ साल कहिंदे आ दिन महीने कहिंदे आ युग कहिंदे आ सदियां कहिंदे आ ये सारे उस परम पिता परमात्मा दे हुक्म दे विच हुक्म दे विच समां चल रहा है क्षण क्षण वरत रहा है और लंघ रहा है अगे आ रहा है अगला अगे आ रहा है अगला अगे आ रहा है पिछला वरत रहा। तो इस तरह के नाल ये महाकाल की हाजरी दे विच काल भी जिहड़ा है वह बंधत है काल का भी महाकाल वह परम पिता परमात्मा है जिसनों असी महाकाल कहने काल का भी काल है समय का भाव समा मृत्यु विनाशना और विनाशना मृत्यु का काल जिहड़ा है उसका भी मालक जिहड़ा है वह परम पिता परमात्मा है जिसनों असी महाकाल कहने उसके हुक्म दे विच सारी कुदरत चल रही है। वाहेगुरु
कुदरत दा निजम है, चल रही है बिणस रही है, उपज रही है चल रही है बिणस रही है, ये निजम है। उपजना पलना और बिणस जाना, ये काल दे थले हुंदा, काल दी इस दे उत्ते निगाह हुंदी है। तो सतसंग जी, ये समय का जो चक्कर है, महाकाल की जो वंड की समय की काल की, सब तो पहला महायुग, फिर युग, फिर सदियां, फिर साल, फिर छमाही तमाही पख, जिन्हों असी पंद्रवा पखवाड़ा कहने, क्योंकि सारा काल जिहड़ा सूरज पक्ष के उत्ते 15 दिनों के उत्ते चलता या चंद्रमा के पक्ष के उत्ते चलता। ये गिनती जिन्नी भी हुंदी है काल की, वह सारी चंद्रमा की जो गिनती है पक्ष की 15 दिनों की, उस दे मुताबक ये साल महीने दिन तिथां वार बदलते रहेंगे। तो इस तरह के नाल उस महाकाल ने इस काल नूं सालां छमाहियां तिमाहियां महीनियां पखवाड़े और फिर हफ्ता जिन्हों असी सप्ताह कहने हैं, फिर दिन वार जिन्हों असी दिन वार कह दें, फिर उस तो बाद दिन राती भी, उस तो बाद घंटे मिंट सकिंट और देसी महीनों के नाल नाल उन्हां नूं थित पहरे, और इस तो बाद पहरियां तो बाद पल छिन चस्सा और मुहूर्त, चस्से तो भी छोटा मुहूर्त गिणिया जाता है। तो सतसंग जी, इस तरह का एक काल का जो डिवाइडेशन है महाकाल ने किया होया परमपिता परमात्मा, तो अज उस काल के तहत ही सिख समाज। गुरमुख प्यारियो, आप सब जी नूं बेनती है कि आप कृपा करके वाहगुरु जोत चैनल को सबसक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।